मैंने बात हुई मेरी उनसे, लेकिन वो बोले मेरे को कि मैं ऐसा फोन करूंगा तो बोल देना। बोला ठीक है, और एक बार नहीं, हमेशा ही बोलते ऐसा। वो मेरे को क्या लगा, हमेशा वो किसी ना किसी के लिए बोलते रहते हैं। बोला इसी बैठ के मजाक कर रहे होंगे। नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं रितेश बोरकर। कल नागपुर में मारुति नवा ने पत्रकार परिषद लेकर अपने ही 25 साल पुराने दोस्त के बारे में जानकारी दी। बियर बार में जाकर सुगम संगीत गाने पर पैसे उड़ाते हैं। काही नाही, एक माणूस तिथे बसला होता, काही पाहिजे म्हणून बसला होता। आम्ही 5 तिथे गेलो, तिथे बसलो, दारू बिअर खोलले, वेटर लोक आले, दारू बिअर आले, तिथं ते खाणं म्हणजे काही आलं तिथं त्यांना। मग तिकडून मॅडमच्या रूममध्ये गेला तो, तिकडे बाजूला आपण मॅडमचं रूम आहे, ते मॅडम ते कॅमेरे ट्यूबमध्ये पूर्ण पाहिजे ते डब्या डब्यामध्ये कोण बसलाय, कोण पैसे उडाला, कोण काय करते, पैसे लोक जेबा टाकत ते पाहत होते तिकडून। मग तिकडं 2 लाख रुपये एक टेबलावर, याच्या टेबलावाले कोणाच्या, प्रदीप बुकेच्या। प्रदीप टेबल असा होता, एक टेबल होता, मी इकडे एकटा साईडने घर बसलो होतो, बाजूला बसलो होतो। मग तिथे गाणं लावला प्रदीप, जो बी गाणं आहे गरम चांगला ऐकायसाठी, तो चालू केला भगवान। म्हणजे फेकमत पैसे फेकमत नाही तू, यहाँ पे बोला पुलिस आएगी, फोटो देख लेंगे। बोला तो मैं भी फंस जाऊंगा, तू चुपचाप रहे, तू आया उनके साथ में हूँ मैं, फिर जाऊँगा कैसा के एकदम वहाँ उसने पैसे फेंका। लेकिन कुछ दिन पहले ही प्रदीप उके के भाई एडवोकेट सतीश उके ने पत्रकार परिषद में अपने भाई को फंसाने की साजिश रची जा रही ऐसी जानकारी दी थी। एडवोकेट सतीश उके ने कहा, मारुति नवा हमको पुलिस के खिलाफ विरोधी पक्ष के बारे में जानकारी लाकर देता है, कौन कितना सच बोल रहा है सब जानने के लिए हमने भी बियर बार मालिक को फोन करके इसकी जानकारी ली है। क्या बोलना है बियर बार मालिक वालों का, सुनिए। हेलो, यस, आपसे राजू भैया बोल रहे। मैं हाँ राजू बोल रहा हूँ। हाँ, मैं महाराष्ट्र टीवी 24 से रितेश बोरकर बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। ये कल मारुति नवा ने कल एक पत्रकार परिषद लिया जी, उसमें उसने बोला कि यस पॉप में प्रदीप उके जो है वो आके पैसे उड़ाता था और वहां पर गाने चलते थे, उस पर पैसे उड़ाने का काम करता था, ऐसे कल मारुति नवा ने बोला है। गलत बात है जी, ये 100% गलत है। हाँ, ये मारुति नवा आपके बार में आता है क्या हमेशा? हमेशा मतलब 2-3 महीने पहले आया था। अच्छा, अभी 2-3 महीने से तो नहीं आया। 2-3 महीने से नहीं आया, लॉकडाउन चालू होने के बाद नहीं आया। तो अपना बियर बार बंद है कि चालू है अभी भी? बंद है, बंद। कितने महीने से बंद है? लॉकडाउन डेढ़ साल से लॉकडाउन ही था ना। हाँ, यानी 1-1.5 साल से अपना पब बंद है। 1 साल से या 1.5 साल से बंद है अपना? 20 में बंद हुआ ना, 18 मार्च को। अच्छा, 18 मार्च तब से बंद ही है। पिछले कल कैसे बोल दिया कि आपकी तरफ भी नहीं, अभी अभी उस टाइम पे बंद था 1.5 साल, अभी चालू हुआ है, करीबन 3 महीने से चालू है। अच्छा, 10 बजे का टाइमिंग चल रहा है। अच्छा, 10 बजे का। इसने कहीं जानबूझ के तो नहीं बोला मारुति नवा ने कि ये सतीश उके आपके बारे में आता, पैसे उड़ाता है, ये सब चीजें? नवा और ये प्रदीप उके कभी साथ में आए क्या आपके दर में अभी? नहीं नहीं, 2-3 महीने में तो नहीं आए। हेलो। हाँ जी ललित भैया, मेरे को ये बताइए, बारबेक्यू बार में कल ये क्या नाम है इसका, मारुति नवा ने एक ये किया कि प्रदीप उके आपके बियर बार में आके पैसे उड़ाता, 3 लाख रुपए। मेरा भैया साल भर से होटल बंद है भैया, 1.5 साल से। हाँ, अभी भी बंद है? हाँ, अभी भी बंद है। तो फिर ये कैसा, और कल इसने फोन पे भी सुना है कि आप लोग बोल रहे हैं कि हाँ हमारे पास उधारी है, 3 लाख रुपए लिया। अरे भैया कैसा रहता, अभी देखो लोग बोलने के लिए बहुत कुछ बोलते हैं, अभी कैसा जबरदस्ती के पिक्चर बना रहे और कुछ नहीं, टाइम पास हो रहा फालतू के, हमारा भी और आपका भी। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो कल पत्रकार परिषद में जो उसने बोला वो झूठ बोला ना? हाँ हाँ, मारुति नवा ने जो भी बोला प्रदीप उके के बारे में पूरा झूठ बोला है। हेलो। हाँ जी, कौन? मैं महाराष्ट्र टीवी 24 से रितेश बोरकर बोल रहा हूँ। बोले भैया। मैं कह रहा था कल एक मारुति नवा ने पत्रकार परिषद लिया जिसमें आपके बियर बार का नाम लिया कि जिस बियर बार में प्रदीप उके आके बैठता है, पैसे उड़ाता है, और आपके ऊपर आपने उसको पैसे दिए, वो आपके पैसे अभी तक के वापस नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, पैसे उड़ाते वो तो ऐसे जनरली मजाक करने के लिए फोन करते हैं हमेशा, मैं ऐसा बोलूंगा करके तो बोल देना। तो बोला ठीक है, तो ये क्या उन्होंने वहाँ इसमें रिपोर्ट में फोन उठाए थे क्या? नहीं, कल पत्रकार परिषद में आपको फोन किया था ना कि भाई 1 लाख रुपए है आपको अभी तक के, 95,000 रुपए दे दिया है और 5,000 बाकी है। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। नहीं तो आपकी कल आपने फोन पे उससे बात किए थे क्या? कल आपने, मैंने बात हुई मेरी उनसे, लेकिन वो बोले मेरे को कि मैं ऐसा फोन करूंगा तो बोल देना। बोला ठीक है, और एक बार नहीं, हमेशा ही बोलते ऐसा वो। मैंने मारुति नवा ने ये बोला कि मैं फोन करूंगा, आपने ऐसा बोलना बस।
1 लाख रुपए है और 95,000 रुपए दे दिया, 5,000 रुपए बाकी है। मेरा अपना बार 2 साल से बंद है, कोरोना है ना तब से। हाँ 2 साल से बार बंद है। हाँ तभी चालू किया होंगे ना आपने। नहीं मैं हफ्ते भर चालू करा, भी बंद कर दिया था, टाइमिंग था नहीं अपना ग्रामीण में 10 बजे तक के था, तो फिर टाइमिंग के कारण अपने बंद कर दिए थे। अच्छा हाँ अभी अभी भी क्या 2 साल से बंद है, तुम आए नहीं प्रदीप भैया? तो अभी भी नहीं आए क्या? 2 साल से ना जब से कोरोना लगा है ना। नहीं अभी अभी चालू किया गया 2-3 महीने में। नहीं 2-3 महीने में नहीं भैया, बंद है मेरा अभी। अभी भी बंद है? हाँ बंद है अभी, 6 महीने से बंद है, 6-7 महीने से। अच्छा यानी कल आपके साथ इसमें कल आपको फंसाया ऐसा बोल सकते हैं अपन कि आपका फोन रिकॉर्डिंग पूरे पत्रकारों को सुनाया उसने, कल हम सभी पत्रकार को सुनाया। वही समझ लो ना, प्रदीप भैया तो आए नहीं अपने। नहीं नहीं कल जो फोन पे जो सुनाया आपसे पैसे लिया उड़ाने के लिए, तो ये जो फोन पे सब पत्रकारों को सुनाया, मेरे को उन्होंने ये बोले कि बोल देना, बोले कि कितने पैसे, 1 लाख रुपए है करके इतने पैसे दे दिए। मैं बोला ठीक है बोलूंगा, मेरे को क्या लगा हमेशा वो किसी ना किसी के लिए बोलते रहते हैं, बोला इसी बैठ के मजाक कर रहे होंगे, तो बोले मेरा फोन आएगा तो ऐसा बोल देना। बोला ठीक है, उन्होंने कर फिर मेरे को 4-5 घंटे बाद कॉल, तो मैंने बोल दिया। जब हम कभी भी कोई बियर बार में हो, कोई कोई होटल में जाते हो, तो सब लोग मिलकर ही साथ में बैठते हैं, लेकिन इस बियर बार में जब पैसे फेंक रहे थे ऐसा नवा का कहना था, उस समय नवा अलग क्यों बैठा, ये भी सवाल खड़ा हो रहा है। मैं तिकड़े 2 लाख रुपये एक टेबल ऐसे टेबल वाले कौन है प्रदीप उगेचा, प्रदीप टेबल ऐसा होता, एक टेबल होता निकले एक साइड दिखा बसलो तो बाजू बसलो तो। पत्रकार परिषद में मारुति नवा ने फोन पे किससे कौन से बियर बार वाले से बात करवाई, आइए वो भी सुनते हैं। उसके बाद हमने जो बियर बार मालिकों से फोन पे बात किए उनकी भी ऑडियो आप सुनिए। देखिए अपन मैं और प्रदीप उके हापेवाड़ा में, तो कितने पैसे थे उसके ऊपर तेरे वाले? 1 लाख रुपए। अभी कितने बाकी है? अभी वो डाल दिए आप वगैरह 5,000 रुपए कुछ होता। 5,000 बाकी क्या? अभी तब को लेना कितने पैसे थे उससे? 1 लाख रुपए। ठीक है ठीक है। तीसरा आदमी इतने आसानी से 25 साल पुराने दोस्तों का फायदा उठा रहा है, यानी मारुति नवा और प्रदीप उके का। मेरे को क्या लगा हमेशा वो किसी ना किसी के लिए बोलते रहते हैं, बोला इसी बैठ के मजाक कर रहे होंगे, यानी उनको मालूम है इनमें से कोई ना कोई एक कड़ी कमजोर है जिसका फायदा उठाकर इनमें आपसी झगड़े लगा देना, यानी बियर बार के अंदर पैसे उड़ाना, साथ में बैठना, और बाद में पता चलता है कि एक दोस्त बाजू में बैठता है और एक पैसे उड़ा रहा है, यानी कहीं ना कहीं ये प्री प्लानिंग है इनकी। तीसरे इनका प्री प्लानिंग का फायदा उठा रहा है और पूरा तीसरा ही इनकी रचना रच रहा है कैसे इनको फंसाया जाए, कैसे आपस में झगड़ा लगाया जाए। चाहो तो दोनों ही मिलकर तीसरे पार्टी का भांडा फोड़ सकते हैं। नमस्कार। अगर आप खरीदना चाहते हो अपना प्लॉट, फ्लैट, रो हाउस या रिसोर्ट, तो आइए आरओ एम्पायर प्राइवेट लिमिटेड ISO सर्टिफाइड कंपनी में, जहां आपको मिलेगा 0 माइल से महज 30 किलोमीटर के अंदर प्लॉट, फ्लैट, रो हाउस और रिसोर्ट, वो भी आसान किश्तों पर। वही आरओ नगरी में आपको मिलेगी गार्डन, स्विमिंग पूल, मेडिटेशन सेंटर, रेस्टोरेंट, चिल्ड्रन पार्क, योगा पार्क, सेल्फी पॉइंट और अन्य सुविधा। तो आइए आरव नगरी और पाइए आपके सपनों का घर, वो भी बैंक लोन के सुविधा के साथ, NATP सैंक्शन्ड। हमारा पता प्लॉट नंबर 78, ओम साई अपार्टमेंट, विद्या विहार, प्रताप नगर, रिंग रोड, नागपुर। कॉन्टैक्ट ऑन 0712-2295-365 और 7447-443370 and 7745042520.